رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله العلي العظيم मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ کچھ جمعوں سے علم غیب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم غیب کا جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم دیا اللہ نے، کوئی پیمائش کر سکتا نہیں۔ اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج مخالفین کی کچھ عبارات آپ کو سناؤں گا۔ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کے ہاں کتنا تضاد پایا جاتا ہے۔ جناب اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 7 پر لکھتے ہیں، سوال کے جواب میں، پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح
हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि उस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब, कि अल्लाह ताला ने जो नबी को इल्म दिया है वो बाज है या कुल है। अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तख्सीस है। ऐसा इल्म, इल्म गैब तो जैद व अमर, बल्कि हर सबी व मजनून, बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। पहले उन्होंने इल्म गैब की दो किस्में की, बाज या कुल, और कहा कि अगर बाज मुराद है थोड़ा सा तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खुसूसियत नहीं। बाज उलूम गैबिया तो हर ऐरे गैरे, हर बच्चे, हर दीवाने पागल, बल्कि तमाम जानवरों को, चौपायों को भी हासिल है। अब ऐसा का लफ्ज इसमें आया, ऐसा इल्म गैब तो, अब ऐसा के क्या माने हैं इसमें भी आपको जवाब देता हूं। पहले इस इबारत के हवाले से एक फतवा भी सुन लीजिए। जनाब खलील अहमद अम्बेठवी, इन्होंने एक किताब लिखी थी अल मुहन्नद, और उस पर सैकड़ों नहीं, पता नहीं, हजारों उलमाए देवबंद के दस्तखत। उसमें वो कहते हैं जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जैद व बकर और बहाइमों मजानीन यानी जानवरों और चौपायों या पागलों के इल्म के बराबर समझे या कहे वो कतअन काफिर है। वो इबारत भी उन्हीं की, ये फतवा भी उन्हीं का। अब लफ्ज़े ऐसा, जनाब मुर्तजा हसन दरभंगी वो कहते हैं वाजे हो कि ऐसा का लफ्ज फकत मानिंद और मिसल ही के माना में मुस्तमल नहीं होता, बल्कि इसके माने इस कदर और इतने के भी आते हैं। ऐसा का मतलब इतना या उस जैसा, दोनों माने हो गए। वो कहते हैं उस जैसा ही नहीं, माने इतने या इस इतनी कदर जो उसका है तो इतने के भी आते हैं। जो इस जगह थानवी साहब की इबारत में मुतायन हैं, दूसरी जगह लिखते हैं इस इबारत मुतनाज़िया फीहा, यानी वो इबारत जिसमें झगड़ा है, इसमें लफ्ज ऐसा बमाने इस कदर और इतना है, फिर तशबीह कैसी। एक ने इस कदर कहा, इतना कहा, दूसरे ने तशबीह कहा, वो भी सुन लीजिए। ये इबारत जो अब दूसरी सुना रहा हूं, ये जनाब हुसैन अहमद साहब टांडवी, जिनको मदनी कहते हैं, उनकी है। वो कहते हैं थानवी साहब इस इबारत में लफ्ज ऐसा फरमा रहे हैं, लफ्ज इतना तो नहीं फरमा रहे। पहले शख्स ने कहा कि इसके माने इस इबारत में इतने के हैं, दूसरा कह रहा है ऐसा, इतना तो नहीं कह रहे। अगर लफ्ज इतना होता तो उस वक्त अलबत्ता ये एहतमाल होता कि माज़ अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को और चीजों के इल्म के बराबर कर दिया।
मुर्तजा हसन साहब ऐसा को तशबीह का कलिमा नहीं मानते, अगर तशबीह का माने तो उनके नजदीक कुफ्र, और हुसैन अहमद साहब लफ्ज ऐसा को तशबीह का फरमा रहे हैं, और मुर्तजा साहब जिसको कुफ्र कह रहे हैं वो साबित कर रहे हैं। इन दोनों ने जो माने करने की कोशिश की, ये दोनों उसको तो बचा नहीं सके, खुद भी उसी लाइन में चले गए। बचाना उसको चाहते थे, खुद भी नहीं बचे। आइए, बस्तुल बनान थानवी साहब की किताब है, उसमें से जुमला सुने। जो शख्स ऐसा एतेकाद रखे, ये फिर लफ्ज ऐसा आया कि गैब की बातों का इल्म जैसा के हुजूर को है, ऐसा हर बच्चे पागल जानवर को भी है, या बिला एतेकाद सराहतन या इशारतन ये बात कहे, मैं उस शख्स को खारिज इस्लाम समझता हूँ कि वो तकजीब करता है नुसूस कतईया की और तनकीस करता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी हुजूर की शान में नक्स करता है और कुरान और हदीस को झुटलाता है। लिखा भी खुद, फतवा भी खुद दिया। क्यों? कि एक गलत लफ्ज लिख के तौबा करने की बजाय उस लफ्ज को जस्टिफाई करना, कोशिश करना कि किसी तरह सही हो जाए, उस लफ्ज को गलत कह के तौबा नहीं की बल्कि उलझते चले गए। अब सुनिए, फतावा रशीदिया में है, बस इस बाते इल्मे गैब गैर हक ताला को शिर्क सरी है, यानी कोई साबित करे अल्लाह के सिवा किसी के लिए इल्मे गैब तो ये खुला शिर्क है। दूसरी जगह लिखते हैं इल्मे गैब खासा हक ताला का है, इस लफ्ज को किसी तावील से दूसरे पर इतलाक करना ईहा में शिर्क से खाली नहीं। तीसरी जगह लिखते हैं और ये अकीदा रखना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था खुला शिर्क है। अशद्दुल अजाब में लिखते हैं जनाब मुर्तजा हसन दरभंगी साहब, जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बराबर बच्चों पागलों जानवरों को कहे वो काफिर है, मुर्तद है, मलऊन है, जहन्नमी है। आपने सुना और सुने, अभी मैं आपको सुना रहा हूं। अब थानवी साहब ने जब ये फतवे लगने लगे तो इबारत बदली। पहले तो लिखा था ना कि जानवरों को, पागलों को, ऐरे गैरे को, सबको हासिल। फिर लिखा अगर बाज़ उलूमे गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तख़सीस है? मुतलक बाज़ उलूमे गैबिया तो गैर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी हासिल हैं, यानी जो नबी नहीं हैं उनमें भी दूसरों को उलूमे गैबिया हासिल। आवाज आए, अभी आपने फतवे सुने कि अल्लाह के सिवा किसी के लिए इल्म गैब माने तो काफिर हैं, अब खुद कह रहे हैं दूसरों को भी हासिल। घर में तो तय करो ना बात क्या है। फतवे कुछ हैं, इबारतें कुछ, ये झलक दिखा रहा हूं। दूसरी जगह थानवी साहब लिखते हैं इल्म गैब बिला वास्ता या बिल वास्ता। एक तो है जो वास्ते के साथ हो और एक बगैर वास्ते। इल्मे गैब जो बिला वास्ता हो वो तो खास है अल्लाह के साथ, और जो बवास्ता हो वो मखलूक के लिए हो सकता है। और अभी आप फतवा सुन चुके कि किसी और के लिए इल्म मानना शिर्क है।
ये आपस में एक दूसरे के फतवे से क्या हो रहे हैं वो आप ज़हन में रखें। मुर्तज़ा हसन साहब थानवी साहब को बचाने के लिए लिखते हैं कि हिफ्ज़ुल ईमान में इस अमर को तस्लीम किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अल्लाह की अता से हासिल है। सुन रहे हैं हम, एक मुफ्ती साहब कह रहे हैं अल्लाह के सिवा किसी के लिए इल्म गैब मानो तो शिर्क, दूसरे साहब कह रहे हैं हासिल है। और सुन ले, थानवी साहब लिखते हैं इसी तरह नुसूस के अंदर नून स्वाद नस कुरान हदीस के अल्फाज को कहते हैं, उसकी जमा नुसूस। नुसूस के अंदर बाज मुगीबात के मुतालिक ये साबित है कि इनका इल्म हुजूर को भी है और ऐसे इल्म की निस्बत हुजूर की तरफ जायज है। और सुन ले, तरजीहुर राजेह ये भी थानवी साहब की किताब है, उसमें लिखते हैं इसमें कलाम ही नहीं कि हुजूर के उलूम गैबिया, हुजूर के उलूम गैबिया जुजिया कमालात नबुवत में दाखिल हैं, इसका इनकार कौन करता है? एक तरफ तो मानना नहीं है और एक तरफ ये कि जी दाखिल हैं। किसी को शुबा ना हो को जो इल्म गैब खसाई से बारी ताला से है, जो अल्लाह के लिए खास है, उसमें रसूल की शिरकत हो गई, क्योंकि खवास बारी ताला से दो अमर हैं, उसका इल्म जाती होना और उसका मुहीत बिल्कुल होना। अल्लाह का इल्म जाती है और मुहीत हर चीज को घेरे हुए है, ये खासियत किसकी है? अल्लाह की। यहां रसूलों में जाती इसलिए नहीं कि वही से है और मुहीत इसलिए नहीं कि बाज उमूर खास मुराद हैं, बस ये बिल माना अलाम अलाम गैब है ना कि बिल माना अल अखस, यानी ये आम है खास नहीं। एक जगह इनकार और दूसरी जगह इकरार। अब अहले सुन्नत तो मानते हैं, जो कहते हैं वो आप सुन चुके हैं। अब देवबंदी हजरात जिनको अपना पीर कहते हैं, मानते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, जिनको कहते हैं जरा वो सुन ले। हाजी इमदादुल्ला साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्ला अलैह, जिनको उलमाए देवबंद अपना पीर कहते हैं, वो लिखते हैं लोग कहते हैं इल्म गैब अंबिया और औलिया को नहीं होता। मैं कहता हूं कि अहले हक जिस तरफ नजर करते हैं इदराको गैबियात दरियाफ्त तो इदराको गैबियात का उनको होता है, यानी अल्लाह वाले जिस तरफ नजर करें गैब उनको मालूम हो जाता है। पीर साहब ये कह रहे हैं तो पहला फतवा तो पीर साहब पे लगाओ। और सुन ले, सवाने कासमी में है कुरान मजीद में एक से ज्यादा जगह पर फरमाया गया है कि अल गैब का इल्म हक ताला के सिवा किसी और को नहीं। आगे चल के लिखते हैं लेकिन उसी के साथ कुरान ही में है कि अपने रसूलों में से जिसे चाहता है अल्लाह ताला गैब से मुत्तला फरमाता है। अब सवाल यही है कि गैरुल्ला को गैब का जो इल्म अता होता है उस पर भी इल्मुल गैब का इतलाक हो सकता है या नहीं? तो नानोत्वी साहब ने इरकाम फरमाया है कि गैरुल्ला की तरफ इल्म गैब को मंसूब करने का ये मतलब कोई नहीं समझता कि बिज़ात गैब का इल्म उनको हासिल है, बल्कि यही समझते हैं कि गैब के इस इल्म से हक ताला ने उनको सरफराज किया है। आसान कर दूं,
वो कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी के लिए इल्मे गैब की बात करने से ये मतलब नहीं होता कि इसको खुद से हासिल है, नहीं बल्कि अल्लाह ने इसको अता किया। उस्ताद कह रहे हैं है, शागिर्द कह रहे हैं नहीं है, एक कह रहे हैं हो सकता है, दूसरे कह रहे हैं माना नहीं जा सकता। तो घर में फैसला करो ना, और सुन ले। पस इसमें चहार अइम्माए मज़ाहिब व जुमला उलमा मुत्तफिक हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम गैब पर मुत्तला नहीं हैं। ये फतवा एक तरफ कह रहे हैं कोई मुत्तला नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मुत्तला हैं। फतवा भी उनका, इबारत भी उनकी, और सुन ले। गरज के लफ्ज आलिमुल गैब के माना में थानवी ने दो शिकें की हैं और एक शिक को थानवी साहब सब में मौजूद मानते हैं। मैंने फतवा भी सुनाया आपको और आपको इबारत भी सुनाई। जनाब शब्बीर अहमद उस्मानी जिन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का नमाज़े जनाजा पढ़ाया, उनका बयान सुन लें। कुरान की आयत वमा हुआ अलल गैबी बेदनीन के तहत वो लिखते हैं ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम हर किस्म के गुयूब की खबर देता है। गैब की जमा गुयूब, हर किस्म के गुयूब की खबर देता, माजी से मुताल्लिक हो या मुस्तकबिल से, गुजरे हुए जमाने से या आने वाले जमाने से, या अल्लाह के अस्माओ सिफात से यानी अल्लाह के नाम और खूबियों से, या अहकाम शरईया से, या मजाहिर